दूसरी बात यह है कि स्काई वॉक के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बात करने लगे। सवाल यह है कि उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कल ही AW में ACB में जहां केस रजिस्टर्ड हुआ, ये फड़फड़ाने लगे। अब आपको मैं कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। चुनाव 20 नवंबर 2018 को गया, संपन्न हो चुका था, ठीक है। और ऐसी क्या आपात स्थिति आई थी कि 5 दिसंबर 2018 को परियोजना की लागत है वो 28 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया जाता है, और 11 दिसंबर को मतगणना हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो गया। उस दिन रमन सिंह इस्तीफा भी दे दिए थे, किंतु मुनत कार्य करते रहे, और 13 दिसंबर को रिवाइव प्रशासन की स्वीकृति जारी कर दी गई। तो किसको लाभ दिलाने के लिए किया? तो ये सवाल तो ये है कि शासकीय धन का किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ। जब आप सत्ता में थे ही नहीं, जनादेश आपके खिलाफ चला गया, उसके बाद फाइल चलती रही। तो जवाब तो इन सब चीजों को देना चाहिए, जो नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी घूम रहे हैं, जिमी कांदा खा रहे हैं। 15 वर्षों तक के छत्तीसगढ़ की जनता को लूटते रहे, कभी नान में, कभी धान में, कभी खदान में। छत्तीसगढ़ सरकार में हमें बने 4 साल हुए। 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है, कहीं इधर उधर नहीं। सरकार बटन दबाती है और सीधा हितग्राहियों के खाते में पहुंच रही है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे लघु उत्पाद संग्राहक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्वसहायता समूह हो, सबके खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपया गया। इसमें क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? अब मैं ये पूछता हूँ कि 4 साल में जब हम 1.5 लाख करोड़ आम जनता की, छत्तीसगढ़ की जनता की जेब में डाले हैं, तो पैसा तो रहा होगा ना, ये पैसा उनको मिल सकता था ना, क्यों नहीं मिला? और नहीं मिला इसका मतलब सब ये भ्रष्टाचार में गए, जैसे स्काई वॉक, जैसे बहुत सारे एक्सप्रेस वे, हाईवे, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक ही पुल को तोड़ 3 बार बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सड़क को बार बार उखाड़ रहे हैं, बना रहे हैं, ये सब पैसा वैसी गया है भ्रष्टाचार में। और वह अब जब अन्नदाता हमारे प्रसन्न है, गौपालक हमसे प्रसन्न है, मजदूर हमसे प्रसन्न है, आदिवासी हमसे प्रसन्न है, लघु उत्पाद संग्राहक हमसे प्रसन्न है, इनके पेट में तकलीफ हो रही है, तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे तुम्हारे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोलने से थोड़ी भ्रष्टाचार होगा। तो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ईडी के लिए आए, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई करो, मारपीट क्यों कर रहे हो? मार मार के बोलो कि हाँ बोलो, इसको दस्तखत करो, इसमें प्रताड़ित करे। एक उद्योगपति अभी भी हॉस्पिटल में, कितने लोग हैं जिसके हाथ पैर में चोटें आई, 3rd degree टॉर्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जबरदस्ती सिद्ध करना चाहते हैं भ्रष्टाचार। जो गलत है उसके हम तो शुरू से बोल रहे हैं, जो गलत है उसकी कार्रवाई करो, लेकिन किसी टारगेट करके फंसाने के लिए आप मारपीट करोगे, दहशत मिलाओगे, तो ये तो उचित नहीं है। तो लगातार यही कार्रवाई चल रही है। इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, तो कैसे बदनाम किया जाए? भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, बस जो गोवेल्स के सिद्धांत है उसका ये लोग मानने वाले लोग हैं, जो एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होने लगता है। तो ये भ्रष्टाचार के आकंठ में खुद डूबे हुए और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये बदनाम करने के षड्यंत्र इनका चल रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और इनके झांसे में नहीं आने वाली। सर, मुझे इस बयान के बारे में जानकारी नहीं है, और हम लोगों ने उसी को
जो राहुल जी करीब 3,500 किलोमीटर जो पदयात्रा कर रहे हैं, अब थोड़े से कुछ राज्य बचे हैं जिसमें हरियाणा एक बार जा चुके हैं, दूसरे बार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये 3-4 राज्य बचे हैं। तो बचत में फिर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं जिसमें हर ब्लॉक में पदयात्राएं होगी। राहुल जी का संदेश, कांग्रेस का संदेश, हमारी विचारधारा और जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमारी सरकार की उपलब्धि लेके पदयात्रा करेंगे। कल हमारी शैलजा जी हमारी प्रभारी आई हुई थी और उन्होंने दिन भर बैठक करके सब समीक्षा की, विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हुई, फिर ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक हुई और निर्देश यही हुआ कि हर ब्लॉक में हमारे पदयात्रा होंगे, प्रतिदिन 10 किलोमीटर, मतलब एक दिन में अब 307 हमारे ब्लॉक हैं तो 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर होगी और इसके माध्यम से सारी बातें पहुँचाई जाएगी। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अब वो सड़क के बारे में बात करते हैं, सड़क गड्ढे हैं, तो दोनों बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं 15 साल में काम किए हैं, 15 साल में काम किए हैं तो फिर गड्ढे कहाँ से आ गए भाई? सड़कें अच्छी बनी होती तो गड्ढे कैसे होते? यदि स्कूल बने होते तो जर्जर क्यों होता? भवन ही साला क्यों है? तो ये बता रहा है कि इनके सब काम है वो केवल पेपर में हुआ है। ऐसे कृत्य के हम घोर निंदा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी पुलिस है वो तत्काल कार्रवाई कर रही है और अभी तक जितने अपराध हुए हैं उसके अपराधी पकड़े गए हैं। इनके तरह नहीं है कि वो अपराधी पकड़े नहीं जाते भाई, वो तो जांच है, जांच एजेंसी जांच करेगी, उसे थोड़ी हम प्रभावित करने की बात कर रहे हैं, जांच करेगी स्वतंत्र। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।